कोलवा जिले में मंगलवार को आदिवासी समाज के द्वारा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शहीद वीर नारायण सिंह की पुण्यतिथि मनाई गई और इसके तहत ही कटघोरा में स्कूली छात्र छात्राओं और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के जन प्रतिनिधियों द्वारा रैली निकाली गई। इस दौरान नगर के मुख्य चौराहे पर अमर शहीद वीर नारायण की मूर्ति पर माल्यार्पण किया गया। साथ ही लोग बाजे गाजे और लोक नृत्यों के साथ नगर का भ्रमण करते नजर आए। इस बीच कार्यक्रम में मौजूद प्रतिनिधित्व कर रहे लोगों ने कहा कि शहीद वीर नारायण सिंह ने लोगों के भोजन के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी, उनकी शहादत पर आदिवासी समाज उन्हें नमन करता है। यहाँ शहीद वीर नारायण स्मृति दिवस के नाम से, शहादत दिवस के नाम से मनाया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य यह है, जो भी महापुरुष जो होते हैं वो नाम से या जन्म से महान नहीं होते हैं, अपने कर्म से महान होता है। उनकी महानता जो है समाज में जब ही उभर कर आता है, जब उसका कार्य जो है अपने स्वार्थ के ऊपर उठ करके समाज का, देश का हित के लिए अगर कार्य करने लगे तो जो है मानव से महामानव के रूप में बन हो जाते हैं। और जितने भी महापुरुष हमारे इतिहास में हैं, उनकी जीवनी से, उनके कार्य शैली से हम सब लोगों को प्रेरणा मिलती है, आने वाले पीढ़ी को भी प्रेरणा मिलती है। जितने भी महापुरुष हैं वे सब अन्याय के विरुद्ध ही उन्होंने लड़ाई लड़ी है, समाज के हित के लिए, देश के हित के लिए। ऐसे महापुरुषों में ये शहीद बिना जो है सोना खान के जमींदार थे, उन्होंने तत्कालीन अपने समय में ऐसा समाज में अन्याय फैला हुआ था जिसके विरुद्ध में उन्होंने अपने प्राण को आहुति दिए और समाज की को अन्याय के विरुद्ध लड़ने की एक साहस और हिम्मत देने का कार्य किया है। उसी की स्मृति में आने वाले भावी पीढ़ी भी उनके जीवनी से, उनके कार्य से अनुकरण करके आने वाले समय में सुधार करने का कार्य करें, इस याददाश्त के ही महापुरुषों की श्रेणी में आज हम शहीद वीर नारायण दिवस का, शहादत दिवस इस कटघोरा छात्रावास प्रांगण में मनाया जा रहा है। अमर शहीद वीर नारायण सिंह स्मृति दिवस पर छात्रावास द्वारा विगत कई वर्षों से कार्यक्रम आयोजित किया जाता रहा है, जिसमें बच्चों के सर्वांगीण विकास, उसके नैतिक शिक्षा के साथ साथ इस देश के अमर शहीदों को ये स्मृति हमेशा याद रहे उनको, क्योंकि उनके याद करने से ही हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारा समाज आगे बढ़ रहा है, ये देश बढ़ रहा है। वो केवल एक व्यक्तिगत समाज के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए अपना प्राणों की आहुति दी और वे प्रथम अमर शहीद कहलाए छत्तीसगढ़ के। तो ऐसे अमर शहीदों को याद करना हमारे समाज का, हमारे देश का गर्व की बात है। और बच्चे जब नहीं जानेंगे तब तक उन हमारे पूर्वजों की याद को भूल जाएंगे, इसलिए उनको याद दिलाना जरूरी है, नहीं तो वे केवल एक छाया चित्र के ही रूप में ही रह जाएंगे। तो इसी यादगार पल को हम बनाने के लिए यहाँ प्रतिवर्ष उपस्थित होते हैं और इस वर्ष भी उपस्थित हुए हैं।